मैं हुण जीवां के मर जावां। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अमल फराज के घर के सामने। याद रहे, अमल फराज वही है जिन्होंने प्रोफेसर हुमायूं पर इल्जाम लगाया था, और ये इल्जाम बर्दाश्त ना करते हुए प्रोफेसर हुमायूं ने खुदकुशी कर ली। मानूर, जैसी गाड़ी रोके भागना और दरवाजा नहीं, से बात करते रहेंगे। अमर बिल्कुल नहीं उतरना बेटे। क्या करें आप लोग, ये शरीफों का करें, यहाँ पे इस तरह से क्या अल्लाह बोलते हैं? चले पिछड़े, मैं आप लोगों से एकदम नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। जो भी बात करेंगे आप लोग, आप लोग ने खुदकुशी कर ली है। जो कोई आगे आया चले, एक नई मुसीबत शुरू होगी। मीडिया वाले तो तमाशा बना देंगे। ओहो भावच, तुम तो अपने हवासों में रहो, ये रोने धोने का हरगिज वक्त नहीं है। मीडिया वालों का क्या है, और मैं बताए दे दूं, प्रोफेसर ने अपनी मर्जी से अपनी जान ली, इसमें हमारी अमल का कोई कसूर नहीं। इनका क्या है, दो चार दिन शोर मचाएंगे, उसके बाद कोई और तमाशा हाथ आ जाएगा इनके। अब यहां परेशान मत हो, आप पानी पीजिए। फराज जी, जाओ भाई को इत्तला करो। मैं कह रही हूं जाओ भाई को इत्तला करो। अब हमें कोई बात ही नहीं सुनता। अब बात सुन, बेवकूफ औरतों की तरह रोना धोना बंद करो। अमल के सामने तो खबरदार ऐसी कोई हरकत की तो। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।